नमस्कार, मेट्रो सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं विवेक कुमार तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। कोरोना के 350 नए मामले सामने आए हैं गुरुग्राम में। 354 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। इस दौरान ओमिक्रोन का कोई केस सामने नहीं आया है। 24 घंटे में 3506 लोगों की टेस्टिंग की गई और 350 नए मामले सामने आए हैं। तो गुरुग्राम लगातार हरियाणा में कोरोना का हॉटस्पॉट केंद्र बना हुआ है और एक बार फिर 300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ओमिक्रोन का कोई भी केस सामने नहीं आया है। 24 घंटे में 3506 लोगों की टेस्टिंग की गई थी, जिसमें से 350 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और इस दौरान 354 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। वो लोग रिकवर हुए हैं कोरोना से। और एक और राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में किसी भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर अब तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां कोरोना के 350 मामले सामने आए हैं, 354 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है और 24 घंटे में जो टेस्टिंग है वो 3506 लोगों की गई थी, जिसमें से 350 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और इसी दौरान जो 354 लोग हैं उन्होंने कोरोना को मात भी दी है। बढ़ते आगे, खबर गुरुग्राम से है, जहां बसई इलाके के झुग्गियों में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इससे पहले सारी झुग्गियां जलकर राख हो गईं। आपको बता दें कि गुरुग्राम में ये आग लगने की दूसरी घटना है। इससे पहले सेक्टर 56 इलाके में भी शराब के एलवन में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ था और ये दूसरी घटना है जहां आग लगी है गुरुग्राम में। झुग्गियों में आग लगी, भीषण आग। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो धुएं का गुब्बार है उसको देखकर समझा जा सकता है कि ये आग कितनी विकराल थी और किस तरह से इस आग ने तांडव मचाया है। कई सारी झुग्गियां जल करके राख हो गई हैं इस आग में। तो गुरुग्राम से ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां झुग्गियों में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। इस आग में कई झुग्गियां जलकर राख हो गईं और जब तक दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कई सारे झुग्गियां जलकर राख हो चुकी थी। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 56 में भी उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक शराब के ठेके में अचानक आग लग गई। वहीं शराब के ठेके में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए के माल का नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। साथ ही शराब के ठेके में आग किस वजह से लगी, फायर कर्मी इसकी जांच भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जहां गुरुग्राम के एक शराब ठेके में आग लगी। सेक्टर 56 का यह मामला है जहां शराब के ठेके में आग लगी। इस आगजनी की घटना में लाखों रुपए और इसी आगजनी की खबर को लेकर के हमारे साथ गुरुग्राम से प्रवीण शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आग ने किस तरह से तांडव मचाया है और क्या कुछ अपडेट निकल करके आगजनी की घटना के बाद सामने आ रहा है। प्रवीण, हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये आग कैसे लगी। पहली घटना जो शराब के ठेके थी उसमें लगी है और उसके बाद झुग्गियों में भी आग का तांडव देखने को मिला है। इसको किस तरह से देखा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जी विवेक, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो शराब के ठेके पर आग लगी थी उसका कई कारण कहीं ना कहीं एक शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर 10 से 12 जो है फ्रिज काम कर रहे थे और जिस तरह से बिजली का लोड जो है वो बहुत ज्यादा था, उसको लेकर के वहां पर आग लगने की संभावना जताई जा रही है, जैसा जो प्रारंभिक जांच है जो फायर क्रमों की उसमें सामने आया है। उसके अलावा अगर हम बात करें बसई में जो झुग्गियों में आग लगी है, वो मामला पहला नहीं है विवेक। मैं आपको इससे पहले बताना चाहूंगा के मानेसर में 25 एकड़ एरिया में झुग्गियों में आग लगी थी। वहां पर भी वही सीन था और यहां पर भी वही सीन था कि जो कबाड़ था वो वहां पर मौजूद था, कि हमने पहले भी आपको दर्शकों को बताया था कि लगातार इस तरह के बारूद के ढेर पर गुरुग्राम बैठा है, जहां पर कबाड़ बीन कर लाया जाता है और वहां पर एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसको फिर सेग्रीगेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा
बारूद का ढेर है जिस पर गुरुग्राम बैठा है, और ये बसई की बात नहीं है। इससे पहले मानेसर में आपने देखा था कितना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद बसई में जो ये आग लगी है उसमें साफ तौर पर जो फायर अधिकारी है उनका कहना है कि जो कबाड़ है वो वहां पर मौजूद था, प्लास्टिक की बॉटल्स वहां पर मौजूद थी, प्लास्टिक वहां पर मौजूद था जिसको इकट्ठा करके कूड़े के तौर पर वहां पर लाया जाता है और बाद में कबाड़ के तौर पर उसको बेचा जाता है। एक पहली ऐसी जगह नहीं है, और इसके बाद बहुत सी गुरुग्राम में ऐसी जगह है जहां पर इस तरह की एक्टिविटीज चलाई जाती हैं। और कहीं ना कहीं ये बड़ी चिंता का विषय है कि जब गर्मी का मौसम अभी शुरू हुआ है और उसके बाद जो तरह की ये दो तीन घटनाएं हुई हैं वो हमारे लिए सबक है और प्रशासन के लिए भी सबक है कि या तो प्रशासन चेते के जो इस तरह के गोदाम और जो इस तरह के कबाड़ के गोदाम लगातार शहर में पनप रहे हैं उन पर लगाम लगाए। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं विवेक के लगातार गुरुग्राम में जो कूड़े के ढेर हैं उनमें आग लगती रही है, जैसा कि हम दिखाते रहे लगातार। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि जो कूड़ा जो कबाड़ जो प्लास्टिक है उस पर कहीं ना कहीं लगाम नहीं लगा पा रहा नगर निगम प्रशासन, और जिसके चलते ये घटनाएं हो रही हैं। और जब गर्मी और बढ़ेगी, जब मई का महीना अब शुरू हो गया और इसके बाद जब मई और जून में जब तापमान बढ़ेगा तो ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो एहतियात के तौर पर प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। मानेसर की घटना के बाद भी नगर निगम गुरुग्राम ने सबक नहीं लिया, और जिसका नतीजा आज जो है बसई में हमें देखने को मिला है। और अगर इस पर भी हम ना संभले तो इससे ज्यादा बड़ी घटना भी हो सकती है। ठीक है प्रवीण जी, एक और सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे। जो झुग्गियों में आग लगी है उसमें क्या कितना नुकसान बताया जा रहा है, क्या किसी तरह की जान माल की क्षति भी हुई है? देखिए विवेक, उसमें शुक्रिया रहा है कि जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन जो झुग्गियां थी वो जलकर पूरी तरह राख हो चुकी हैं, जो वहां पर लोग रह रहे थे वो बेघर हो चुके हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी, जितना कबाड़ वहां पर था वो जलकर राख हो गया, जिस आग को काबू करने के लिए लगातार फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को 2 से 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी थी। और इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल एरिया लगता है, जो बसई का इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें भी एक चिंता पैदा हो गई थी कि अगर ये आग काबू ना पाई गई तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को भी नुकसान हो सकता है। तो हमारे नगर निगम को और हमारे जिला प्रशासन को ये समझना होगा कि जो ये कूड़े के ढेर और जो ये अवैध प्लास्टिक बीनने का धंधा जो गुरुग्राम में चल रहा है, इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो ऐसी घटनाएं विकराल रूप भी ले सकती हैं। जी प्रवीण जी, और गुरुग्राम में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इसी तरह से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है और नियमों को ताक पर रखा जाता है? क्योंकि प्रशासन भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें प्रशासन की आंखों के सामने है, लेकिन इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्रशासन एहतियातन के तौर पर भी इनको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं आंखें मूंदे बैठा है, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल विवेक, देखिए कि ये बहुत बड़ा माफिया गुरुग्राम में काम कर रहा है, जो कूड़े से प्लास्टिक वेस्ट और जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और जो केमिकल वेस्ट है उसको अलग करता है। और इस तरह के गोदाम सिर्फ बसई में ही नहीं, जो आसपास के गांव हैं, जो गुरुग्राम से सटे हुए गांव हैं, हर गांव में इस तरह के गोदाम आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इसके अलावा शहर में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे जो दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया की हम बात कर लें, बसई इंडस्ट्रियल एरिया की हम बात कर लें, सरौल इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योग विहार से लगता ढूंढेड़े इंडस्ट्रियल एरिया है, इन सभी गांवों में कहीं ना कहीं इस तरह के गोदाम आपको मिल जाएंगे जो एक तरह से शहर को बारूद के ढेर पर रखे हुए हैं। और किसी भी समय यहाँ पर इस तरह की घटना हो सकती है जो कि जान और माल दोनों के लिए भारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अब इस चीज से सबक लेना चाहिए, क्योंकि दो घटनाएं जो इस बीते महीने के अंदर हुई हैं, और एनजीटी की टीम ने कल ही मानेसर की जो साइट थी जहां पर 25 एकड़ में आग लगी थी वहां का निरीक्षण किया था कि कैसे किस तरह से यहां पर ये कूड़ा आया और क्यों इसमें आग लगी, उसके बावजूद आज बसई में आग लगना कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर दिखाता है। ठीक है प्रवीण जी, एक और मसला हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और ऐसी गर्मी में अक्सर आगजनी की घटना तमाम अलग अलग शहर से निकल करके सामने आती है, गुरुग्राम में भी हम देख रहे हैं किस तरह से आग तांडव मचा रहा है, इसको लेकर के फायर ब्रिगेड कितना अलर्ट है? क्योंकि गर्मियों के दिनों में ज्यादातर आगजनी की घटनाएं सामने आती रहती हैं और कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड को भी ज्यादा जो इनकी नॉर्मल प्रणाली है, कार्य प्रणाली है जिसके तहत काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी फायर ब्रिगेड कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? कितनी देर में अगर कॉल जाती है कि आग लग गई है तो ऐसे में फायर ब्रिगेड कितनी तेजी से कितनी तत्परता से काम दिखाता है? विवेक देखिए, जहां तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की बात करें तो वाकई उनका जो काम है वो सराहनीय है।
क्योंकि जिस तरह से अगर हम आज की ही बात लें या बसई की जो आग लगी थी उसके 20 मिनट के अंदर अंदर जो है गाड़ियां वहां पर पहुंच गई थी और उन्होंने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। और कोशिश ये की गई थी कि आग जो आसपास का रिहायशी एरिया है और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें ना पहुंचे। फायर कर्मचारियों की मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार दिन में आ रही 4-5 कॉल, क्योंकि गुरुग्राम की हम बात करें तो ऐसे 5 से 7 कॉल्स लगातार दिन में आ रही है फायर को लेकर के, और फायरकर्मी 24 घंटे मुस्तैद नजर आते हैं उस चीज को लेकर के, और कोशिश ये रहती है कि जल्द से जल्द वहां पर पहुंचा जाए और फायर पर काबू पाया जाए। तो इस मामले में फायर कर्मचारियों की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जाती, जैसे ही उनको सूचना मिलती है वो जल्द से जल्द इतना जल्द हो सके वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी तमाम जानकारी हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं चंडीगढ़ से, जहां एचपीएससी को लेकर के बड़ा फैसला सामने आया है। तो ये एचपीएससी का बड़ा फैसला सामने आया है, एचसीएस पीआरई की परीक्षा को लेकर के फैसला, डेंटल की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। एचपीएससी का बड़ा फैसला है तो एचसीएस प्री की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जहां एचसीएस प्री की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, डेंटल की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एचपीएससी का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां एचसीएस प्री की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां एचसीएस प्री की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, डेंटल की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है, तो लगातार जिस तरह से एचपीएससी को लेकर के तमाम सवाल उठते रहे हैं, और दूसरी ओर जिस तरह से छात्र सेंटर पर पहुंचते हैं, परीक्षा देते हैं और फिर परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी है एचपीएससी के लिए, किस तरह से परीक्षा में पारदर्शिता को बरता जाए और जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाए। तो एचपीएससी का ये बड़ा फैसला एक बार फिर सामने आया है, जहां एचसीएस प्री की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, डेंटल की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बिजली संकट समेत कई मामलों पर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली कमी नहीं है, साथ ही उन्होंने सुरजेवाला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सुरजेवाला झूठ का पुलिंदा है। तो वहीं आपको ट्विटर मास्टर बताया है, नहीं कुछ स्कूलों में सोलर पैनल का निर्णय लिया गया था, लेकिन वो लाइट का कोई ऐसा नहीं है। लाइट कुछ टाइम के लिए मैं मानता हूँ आज थोड़ा सी समस्या है लाइट की, लेकिन हरियाणा में सभी गांव में, लगभग सभी गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है और वो बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही थी। लेकिन अब जो संकट है बिजली का, वो केवल कोई हरियाणा में नहीं, पूरे देश में संकट है इस टाइम। माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्री से मिलके भी आए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जल्दी थोड़े ही टाइम में इसका समाधान हो जाएगा। बिजली मंत्री जी ने उसमें बयान दे दिया कि वो एकदम झूठ का पुलिंदा है, ऐसी कोई इस प्रकार की बात नहीं। और जहां तक मैं समझता हूँ कि बिजली ग्रिड में जाती है सारी की सारी, और ग्रिड में से ही वहां से आती है, ऐसी कोई लाइन नहीं है कि हरियाणा में बिजली बढ़ाएंगे आप सीधी गुजरात भेज दो, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। ये केवल और केवल बकाने वाली बात होती है, क्योंकि बिजली तो ग्रिड में जाती है, ग्रिड में से ही बिजली मिलती है। अपना ये गलत तरीका है, दोनों ही पक्षों का गलत तरीका है इस प्रकार से कोई भी वो करना। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई उनके सारे समाज के किसी के प्रतिनिधि है, बिना बात के माहौल खराब करने का प्रयास रह रहा। तो मैं समझता हूँ इन बातों में इतना वो नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जिस प्रकार से सारा वीडियो वायरल और जिस प्रकार से मनमुटाव पैदा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हमें अपने देश की एकता अखंडता के लिए काम करना चाहिए। हम आपस में भाईचारे में लड़ना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। देखिए आम आदमी पार्टी ट्वीट मास्टर है, वो सारा दिन ट्वीट ही करने पर रहते हैं। अब कारगुजारी क्या है वो भी दिख देगी, अभी कुछ दिख भी गई, 1-1.5 महीने के बाद ही सारी पंजाब में दिख ही रही। और पर लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी टाइम है और जब 1-2 साल वो शासन कर लेंगे तब सारा का सारा पोल पट्टी खुल जाएगी कि वो क्या है क्या नहीं है, और उस सारा पता चल जाएगा। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक निजी स्कूल की बस को ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूल बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि उस जिस समय यह हादसा हुआ उस समय स्कूल बस में 12 से ज्यादा छोटे बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन किसी को खरोंच तक नहीं आई। हालांकि इस हादसे में स्कूल बस के ड्राइवर को गंभीर चोटें जरूर आई हैं, जिसका इलाज अस्पताल में किया गया है। यह हादसा
सोहना एक्सप्रेसवे पर हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि बस में बैठे हुए छोटे छोटे मासूम बच्चों को किसी तरह की कोई खरोंच नहीं आई, लेकिन जो बस का ड्राइवर था, बस चालक को गंभीर चोटें जरूर आई हैं। ये अभी सुबह ही हुआ। कोई घायल है इसमें? नहीं नहीं, कोई कैसे हुआ? थोड़ा इंजर्ड है। वो एक ट्रैक्टर खड़ा था रोड के सारे ना। अच्छा, तो उसका थोड़ा वो समझा कि चल रहा है ट्रैक्टर या खड़ा है, क्या था क्या हुआ। अच्छा, सड़क के बीच में खड़ा था ट्रैक्टर? जी जी। तो इसमें उस समय बच्चे भी सवार थे? हाँ, बच्चे थे। तो बच्चों को किसी बच्चों को कुछ नहीं, सब ठीक है। और ड्राइवर की क्या हालत है? सब ठीक है। पलवल से एक बड़ा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां मीसा गांव के सामने एक नवजात बच्चे का शव जो है आधा बरामद किया गया है। इस खबर की जानकारी खेत में ही काम कर रहे एक युवक ने दी, जब उसने खेत में काम करने के दौरान बच्चे को खेत के किनारे पड़ा देखा। किसान ने इस शव के बारे में पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जिला नागरिक अस्पताल के शव गृह में भिजवा दिया और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि शव किसी लड़के या लड़की बच्चे की है ये भी पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि शव के आधे हिस्से को कुत्तों ने खा लिया है। दिनांक 30 तारीख को शाम को कोई 3-4 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि गांव मीसा में मनोज स्वरूप जगमाल गांव मीसा के ट्यूबवेल के कोसदा के पास में एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है, जिसका जो नीचे का हिस्सा है वो किसी जानवर द्वारा खाया हुआ है। वे इसी तला पर हमारे ASI रवि कुमार को मौका पर भेजे गए तथा मैं भी मौका पर गया था और जो नवजात शिशु को हमने मोर्चरी में रखा रखा और उसकी 164 की कार्रवाई की। सोनीपत में एक महिला ने वकील पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बता दें कि कोर्ट में महिला वकील के पास न्याय के लिए पहुंची ताकि वकील के पास अपनी दलील रख सके और उसे न्याय का दूत समझकर वकील उसे इंसाफ दिलाएगा, लेकिन इंसाफ दिलाने वाला वकील ही महिला का शोषण करने वाला हैवान निकला। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला का कोर्ट में लंबे समय से मामला विचाराधीन है और जिसकी पैरवी वकील कर रहा था, जहां पीड़ित महिला वकील की मोटी फीस न चुकाने में असमर्थ नजर आई तो वकील ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया है कि शिकायत देने पर जान से मारने की धमकी भी वकील की तरफ से दी जा रही है और जब अति हो गई तो महिला ने महिला थाना में पहुंचकर शिकायत दी। फिलहाल पुलिस ने वकील के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमारे थाने में युवती ने कंप्लेंट दी है एक संदीप दैया एडवोकेट के खिलाफ, तो उसके ने कहा है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो उसके 376(2)(506) के धारा के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया है जिसकी तफ्तीश जारी है। जैसे भी साक्ष्य सामने आएंगे आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर सोनीपत से है, जहां कई बैंकों के ATM में पैसे डालने का काम प्रिंस प्राइवेट लिमिटेड को दिया हुआ था, जिसके 2 कर्मचारी बाइक पर सवार होकर सेक्टर 12 की तरफ से आ रहे थे। जैसे ही वो साई बाबा मंदिर रोड पर पहुंचे तो घात लगाए बदमाशों ने, चलती बाइक से उनकी बाइक की चाबी निकाल ली और दो युवक उन दोनों कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाना शुरू कर दिया और उनके बैग में रखे करीब 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े इस लूट की वारदात की सूचना शहर में आग की तरह फैल गई। वारदात की सूचना मिलते ही सोनीपत के कई थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें भी मौके पर पहुंची और मामले की गहनता से जांच में जुट गई। दिन दहाड़े लूट की वारदात, साईं बाबा मंदिर रोड पर हुई लूट, बैंक कर्मचारी को बनाया निशाना, कर्मचारी से लूटे
20 लाख रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सोनीपत के कई बैंकों के एटीएम में पैसे डालने का काम प्रिंस प्राइवेट लिमिटेड को मिला हुआ है, जिससे दो कर्मचारी बाइक पर सवार होकर सेक्टर 12 की तरफ से आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो साईं बाबा मंदिर रोड पर पहुंचे तो पहले से ही सड़क पर एक युवक घात लगाए बैठा हुआ था। उसने चलती हुई बाइक से उनकी बाइक की चाबी निकाल ली, जैसा कि आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। वहीं इस घटना को अंजाम देने के लिए दो अन्य युवक वहां पर पहुंचे और उन दोनों कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी और उनके बैग में रखे 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। क्या काम करते हो आप? कंपनी में काम करते हैं, ब्रिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। कितने पैसे लेके निकले थे आप? होंगे जी 20 के करीब, 20-21 ऐसे होंगे जी। कहाँ जमा करवाने थे? यहाँ SBI में कराने थे जी। दिन दहाड़े से लूट की वारदात की सूचना शहर में आग की तरह फैल गई। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत के कई थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची और मामले की गहनता से जांच में जुट गई। वहीं बैंक एटीएम में कैश डालने वाले कर्मचारियों के साथ हुई इस लूट की वारदात को एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गए। कि तीन लोग थे जो कैश कलेक्शन वाले, दो लोग बाइक पर जा रहे थे तो उनसे डंडे से पीट के और 20 लाख रुपए से भरा हुआ बैग साथ में ले। इस मामले में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी मयंक गुप्ता ने बताया कि एटीएम में कैश डालने वाले कर्मचारियों के साथ लूट की वारदात सामने आई है। कर्मचारियों से लगभग 20 लाख रुपए लूटे गए। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एनीमिया मुक्त कार्यक्रम को चलाया है, जिसकी शुरुआत झज्जर जिले में की गई है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने इस अभियान की शुरुआत की और सभी को एनीमिया से संबंधित जानकारियां और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। वहीं उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एनीमिया रोकथाम के लिए बहुत ही बेहतर शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए गर्भवती महिलाओं और बच्चियों को एनीमिया से बचाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर एनीमिया की दवाई भी मुहैया करवाई जाएगी और एनीमिया जैसी बीमारी न होने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है, इसलिए इस अभियान के तहत लोगों में जागरूकता लाई जाएगी और एनीमिया होने पर उन्हें दवाइयां भी वितरित की जाएंगी। झज्जर में दिन प्रतिदिन अतिक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है। दुकानदारों की ओर से भी अतिक्रमण करके सामान को सड़क तक पहुंचा दिया गया है, जिस कारण बाजारों में आने वाले लोगों को अपनी पार्किंग रोड पर ही करनी पड़ती है, जिसके चलते जाम की समस्या भी अब पैदा हो गई है। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत दुकानदारों को अपने सामान सड़क पर न लाने की हिदायत दी गई और बिना पार्किंग के गाड़ी खड़ी करने वाले वाहनों के चालान भी किए गए। हमने बीच बीच में एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया था और ट्रैफिक के जो रॉन्ग पार्किंग के भी चालान कर रहे हैं, ब्लैक फिल्म्स के भी चालान कर रहे हैं और आपको, आप भी साथ में ही थे तो आपके साथ मिलकर ही एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया था। और हमारी दुकानदारों से और लोगों से ये विनती है कि दुकानों के आगे जो उन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखी है, जिसे आमजन को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, वो अपनी एनक्रोचमेंट हटाए, नहीं तो हम इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।